hello good morning students welcome to my channel today in this class we are going to read poem what is peace of your new english fairy book let's start with warm up exercise this is given on page number 132 the word peace finds representation in different cultures namaste meaning i bow to the divine in you word peace पीस का मतलब क्या है शांति वॉट इज पीस मीन्स शांति क्या है एक्चुअल में शांति किसे कहते हैं द वर्ड पीस पीस शांति जो शब्द है फाइंड रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट कल्चर इसका अलग अलग संस्कृतियों में प्रतिनिधित्व मिलता है अलग अलग लोग इसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं इसका विभिन्न अर्थ निकालते हैं जैसे नमस्ते नमस्ते मतलब हिंदू कल्चर में हिंदू माइथोलॉजी में ये कहावत है कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का निवास होता है ईश्वर हमारे अंदर है तो नमस्ते मतलब मैं आपके अंदर के परमात्मा को ईश्वर को प्रणाम करता हूं तो छोटा सा शब्द है नमस्ते लेकिन इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि आपके अंदर जो ईश्वर है मैं उनका नमन करता हूं उनको प्रणाम करता हूं तो अगली बार जब आप नमस्ते कहें तो ध्यान रखिए यह छोटा सा शब्द बहुत गहन अर्थ वाला है फिर आता है द हिब्रू हिब्रू वर्ड शैलम मीनिंग पीस हिब्रू में शैलम कहा जाता है जिसका अर्थ है शांति एंड द अरेबिक असलामकुम मीनिंग पीस बी अपॉन यू यानी आपको शांति मिले आपको हमेशा सुख शांति मिले आप सुखी रहे शांत रहे तो दीज आर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग्स तो ये क्या है कुछ अभिवादन के अलग अलग प्रकार हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरह से उनका अपनी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अभिवादन करते हैं ग्रीट करते हैं प्रैक्टिस दीज ग्रीटिंग्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है इन अलग अलग ग्रीटिंग्स को अलग अलग अभिवादन के तरीकों को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है वॉच वीडियो ऑफ द सॉन्ग पीस अंडर द सेम सन बाय रिकी केस रिकी केस का एक वीडियो है पीस अंडर द सेम सन द्रैनी अवॉर्ड विनिंग कंपोजर और रिक्की केस कौन है ये ग्रामी अवार्ड विनर कंपोजर है तो आपको इनका वीडियो भी देखना है नाउ लेट स्टार्ट पोम रीड पोम टू पोम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पीस शांति क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है वॉट इज पीस शांति क्या है आई समाइम्स मैं कभी, कभी सोचता हूं पोइट कहता है मैं कभी कभी सोचता हूं कि शांति है क्या वास्तव में इज इट एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीज जो हमें दिखती नहीं है क्या ये केवल विचारों में ही है हमारी सोच में ही ऐसा कोई शब्द है या वास्तव में ऐसे किसी शब्द का अस्तित्व भी है शांति कोई चीज भी है आई ऑफन पॉन्डर मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं जेंटल डो dove, dove कहते हैं कबूतर को जो शांति का प्रतीक माना जाता है तो पोएट कहता है कि क्या ये उस कोमल कबूतर को शांति कहा जाता है जो होर्डिंग्स पर बड़े बड़े प्रचार करने के लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर सड़कों के किनारे स्पेशली तो उन होर्डिंग्स पर जो ये कबूतर बैठे होते हैं कोमल से क्या इन्हें शांति कहा जाता है द मैनी नोटिस एंड पैम्फलेट्स नोटिस का पैम्फलेट्स का जो पेपर बांटे जाते हैं किसी चीज का प्रचार करने के लिए तो पोएट कहता है कि नोटिस बोर्ड पे पैम्फलेट्स पे या फिर होर्डिंग्स पे जो जेंटल डव यानी कोमल कबूतर है क्या उसे शांति का प्रतीक कहा गया है क्या वो ही शांति है और इज इट समथिंग मोर एंड और या फिर ये कोई ऐसी चीज है जो लंबे समय तक टिकी रहती है अंसेप्ट दैट एनरि लाइफ इट ये एक कॉन्सेप्ट है ये एक धारणा है शांति क्या है केवल एक धारणा है जो हमारे जीवन को और ज्यादा एनरिच करती है और नरिश करती है यानी समृद्ध करती है और इसका पोषण करती है तो शांति ये है उस होल्ड अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट बताते हैं कि शांति वास्तव में रहती कहा शांति मिलती है हैल्ड दैट वॉक टूगेदर पीस यानी शांति उन जगह पर मिलती है उन घरों में उन परिवारों में शांति का निवास होता है जो परिवार के सदस्य एक साथ चलते हैं यानी हर मामले में वो एक साथ रहते हैं तो ऐसे परिवारों में शांति का वास होता है Despite all differences when members gather, और अलग-अलग मतभेद हो चाहे मेंबर्स चाहे में आपस में कोई मतभेद हो डिस्प्यूट हो उसके बावजूद जब वो मिलते हैं तो वो कैसे रहते हैं सारे मेंबर्स जब एक साथ गैदर होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो हर चीज में एक दूसरे से सहमत होते हैं एक साथ चलते हैं मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं तो ऐसे परिवारों में शांति का निवास होता है इट एग्जिस्ट वेन नेबर्स मीट टू ग्रीट नॉट बिटर वर्ड्स इन एंगर अटर इट एग्जिस्ट शांति कहाँ पर होती है शांति का वास होता है जब नेबर्स यानी पड़ोसी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और बिटर वर्ड्स यानी जो कटु शब्द है कठोर शब्द है कटु शब्दों का बुरे शब्दों का यूज नहीं करते एक दूसरे को बुरा भला गुस्से में भी नहीं कहते हैं तो ऐसे लोगों के पास शांति रहती है इट ब्लूम्स वेन फ्रेंड्स रिजोल्व डिस्प्यूट और शांति खिल जाती है यानी बढ़ जाती है ढूंढ लेते, लेते हैं तो वहां भी शांति आती है विद smiles एंड लाफ्टर डिफ्यूजिंग ऑल fights, स्माइल्स एंड लाफ्टर यानी दोस्त जब आपसी मतभेदों को मुस्कुराकर और हंसकर यानी हंसी खुशी जब मित्र अपने दोस्तों के साथ हुए मतभेदों को हल कर लेते हैं तो वहां भी शांति रहती है सभी लड़ाई झगड़ों को भुलाकर जब मित्र आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं तो शांति का वास होता है पीस लिंगर्स ओवर कंट्रीज दट कॉन्फर अब देशों में कहा शांति होती है उन देशों में शांति होती है जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ऑन इश्यूज़ दैट डिवाइड एंड नॉट यूनिफाई अब कौन से इश्यूज़ इश्यूज़ वो issues जो एक दूसरे को विभाजित करते हैं एकत्रित नहीं करते हैं तो ऐसे इश्यूज़ पे जब देश मिलकर के आपस में डिस्कस करते हैं सलाह मशवरा करते हैं तो अवश्य ही वहां शांति का वास होता है पीस वॉचेस एज अस दे रीच और पीस क्या देखती है पीस पर देखती है शांति ये देखती है कि लोगों में आपस में आम सहमति है क्या लोग एक दूसरे से सहमत हैं लड़ तो नहीं रहे हैं तो जहां पर ये सहमति होती है वहां शांति रहती है एंड हैंड इन हैंड स्टैंड टू बाइंड वन एंड ऑल और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे से लोग बंधे हुए रहते हैं मतलब जुड़े हुए रहते हैं तो वहां शांति रहती है पीस इज देन जस्ट नॉट अ डव मीक एंड जेंटल मीक मतलब नम्र और जेंटल मतलब कोमल तो शांति केवल एक नम्र और कोमल डव पक्षी नहीं है बट अ पावरफुल टूल बल्कि एक पावरफुल टूल है शक्तिशाली उपकरण है दैट एड्स मीनिंग टू लाइफ कौन सा उपकरण है जो हमारे जीवन में अर्थ जोड़ता है हमारे जीवन को अर्थ देता है हमारे होने का मतलब देता है अशर्स इन सुप्रीम हेराल्ड सक्सेस एट एवरी कॉर्नर अशर्स इन सुप्रीम मीन्स सबसे ऊपर जो जॉय को खुशी को रखता है और हेराल्ड सक्सेस एट एवरी कॉर्नर जो हर कोने में सफलता प्राप्त करता है For togetherness is strength. क्योंकि कहता है लास्ट लाइन में कि टुगेदरनेस यानी एक दूसरे का साथ ही स्ट्रेंथ है आपकी ताकत है Harmony इज ब्लिस और harmony सद्भाव ब्लिस क्या है ब्लिस कहते हैं परम आनंद को तो हार्मनी इस ब्लिस मतलब सद्भाव ही आपस में अगर एक दूसरे के साथ हम सद सद्ध में सद्भाव है तो वो ही परम आनंद है सो स्टूडेंट्स दिस वाज द पोम रिटन बाय प्रेमा बाला सुब्रमण्यम आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सी यू सून टिल देन बाय बाय हैव अ गुड डे